दोस्तों विजर्ड्स की अजीबोगरीब दुनिया को लेकर हर कोई इंटरेस्टेड होता है और इसीलिए कोई भी गेम स्पेशली जब इस विजर्डिंग वर्ल्ड के ऊपर बेस करके बनता है तो लाजमी तौर पे वो टाइटल को लेकर एक हाइप तो क्रिएट होता ही है। हॉगवर्ट्स लेगेसी गेम में आपको मैजिकल एलिमेंट्स तो ढेर सारे मिलेंगे, हैरी पॉटर वाला एक टैग भी मिलेगा जिससे आज गेम मशहूर है, लेकिन एक और चीज है जिसके तहत ये पर्टिकुलर टाइटल बहुत सारे ट्रिपल ए टाइटल को भी आज पीछे छोड़ चुका है। जी हाँ, इस गेम का ग्राफिक्स। ये गेम एक विजुअल ट्रीट है दोस्तों। क्रॉस जेन टाइटल हॉगवर्ट्स लेगेसी को आप भले ही कोई सभी प्लेटफॉर्म में खेल लो, बीट इन पीसी, एक्सबॉक्स और प्लेस्टेशन, इस गेम की हाई लेवल ऑफ ग्राफिकल फिडेलिटी और स्पेक्टेकुलर आर्ट डायरेक्शन की दात आपको देनी ही पड़ेगी। तो चलिए इस वीडियो में थोड़ा इन डेप्थ ग्राफिकल एनालिसिस करते हैं इस अमेजिंग हॉगवर्ट्स लेगेसी गेम टाइटल का। डेवलपर एवलांचे सॉफ्टवेयर ने अनरियल 4 इंजन का यूज किया है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। अब सवाल यह आता है कि अनरियल 5 इंजन जब अवेलेबल था तो फिर अनरियल 4 इंजन का इस्तेमाल क्यों किया गया? देखिए, डेवलपर जानते थे कि हॉगवर्ट्स लेगेसी प्रोजेक्ट को वे क्रॉस जेन टाइटल के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्रॉस जेन का मतलब होता है अलग अलग जनरेशन, जैसे कि प्रीवियस जनरेशन था PS4, एक्सबॉक्स 1 और 1S, करंट जनरेशन है PS5 या तो फिर एक्सबॉक्स सीरीज S और X। वैसे तो अनरियल 5 इंजन का यूज करने से एक बेहतरीन कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ गेम को रिलीज किया जा सकता था, लेकिन फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में चलने में दिक्कत होता बिकॉज ऑफ द हार्डवेयर इश्यूज। इस गेम में पॉलीगॉन्स काउंट हाई होने के वजह से एनवायरमेंटल डिटेलिंग टॉप नॉच है। इस पिक्चर से आपको पता चल जाएगा कि पॉलीगॉन काउंट हाई और लो होने से क्या फर्क पड़ता है। हॉगवर्ट्स लेगेसी गेम के शुरुआत में ही आप अपने हिसाब से अपना कैरेक्टर को कस्टमाइज कर सकते हो, विच अलाउज देम टू चूज डिफरेंट शेड्स ऑफ कलर, शेप्स एंड फेशियल फीचर्स अकॉर्डिंग टू देयर डिजायर्स। जी हाँ, आप वैसे प्रीमेड मॉडल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो जिसके ऊपर थोड़ा सा फाइन ट्यून शायद आपको करना पड़ेगा। अभी ध्यान देने की बात यह है कि कैरेक्टर्स की पॉलीगॉन काउंट एडिक्वेट लेवल की है और जो ड्रेसेस कैरेक्टर्स पहनने वाले हैं उसका जो फिजिक्स प्रॉपर्टी है वो आपके मूवमेंट वाइज रिएक्ट करेगा। हेयर रेंडरिंग में कोई स्पेशलिटी ऐड नहीं की गई है बल्कि हेयर की प्रॉपर टेक्सचर को मेंटेन किया गया है। अगर आप थोड़ा सा जूम इन करोगे तो ऐसे में थोड़ी बहुत डिस्ट्रक्शन लेवल आप फेस करोगे जो कि इग्नोरेबल है। अब कैरेक्टर्स के स्किन के ऊपर आप गौर करोगे तो स्किन मेशेस जो दिखेंगे आपको वो प्रीटी एवरेज है इन क्वालिटी, बट इट्स गेट द जॉब डन। इन गेम कटसीन्स या तो फिर गेम प्ले के दौरान कैरेक्टर्स की फेशियल एक्सप्रेशन में हार्डली आपको कोई इमोशन दिखेगा, क्योंकि हर रोल प्लेइंग गेम की तरह यहाँ भी कंप्यूटर जनरेटेड फेशियल एनिमेशन डाली गई है। अभी कैरेक्टर मॉडल्स को लेकर भले ही ये गेम ने थोड़ी सी इनजस्टिस की है, लेकिन एनवायरमेंट डिटेल्स, वर्ल्ड स्ट्रीमिंग या लाइटिंग के ऊपर खास काम किया गया है। गेम प्ले के दौरान आपको सुप्रीमली ब्यूटीफुल और डिटेल्ड आर्ट डायरेक्शन दिख जाएगा। इन गेम एनवायरमेंट की एसेट क्वालिटी काफी हाई होगी दोस्तों। कभी कभी प्लेयर्स के प्रेजेंस में कोई ना कोई गेम ऑब्जेक्ट्स रिएक्ट भी करता है। उदाहरण स्वरूप आप देख सकते हो कि घास के ऊपर जब भी आप पैर रखते हो तो घास की जो ब्लेड्स है वो मूव करता है। पर एक चीज मैंने गौर किया कि प्लेयर्स के फुटप्रिंट आपको जनरली नहीं दिखेंगे भले ही सरफेस कोई सा भी हो। गेम प्ले के दौरान आपको जो फॉरेस्ट दिखेगा तो आप फील करोगे बहुत सारे पेड़ एक साथ चिपका हुआ है। इसका मतलब यह है कि एनवायरमेंट डेंसिटी इस गेम का टॉप क्लास की है। ठीक इसी डेंसिटी में इंडोर में भी आपको बहुत सारे प्रॉप्स दिख जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि ये सारे चीज एक टेक्निकल मार्वल है, बट एक ऑलराउंड रिच प्रेजेंटेशन तो जरूर है। रे ट्रेसिंग के वजह से शेडो क्वालिटी इंप्रूव हुई है काफी हद तक, जो इस गेम को एक रियलिस्टिक ओपन वर्ल्ड लुक देता है। पानी की रिफ्लेक्शन भी आपको काफी डिटेल में दिख जाएगा, मतलब कि वाटर रेंडरिंग सॉलिड है। रे ट्रेसिंग के वजह से डार्क प्लेसेस और भी रिच और डार्कर दिखती है अगर इसको कंपेयर करें आउटडोर वाले प्लेसेस से जहां पे डायरेक्ट सनलाइट आता है। इस गेम का एक अद्भुत ग्राफिकल नजारा आपको दिखने के लिए मिलेगा इन गेम स्काई के अंदर। जी हाँ, हाई फिडेलिटी क्लाउड्स के वजह से इस गेम का जो स्काई है वो काफी शानदार दिखता है। अगर आप क्लोजली नोटिस करोगे तो आपको सूरज की किरणें हल्के से बादलों को चीरते हुए धरती पे गिरते हुए दिखेगी, एंड दैट इज वन ऑफ अ काइंड ऑफ ग्राफिकल रियलिज्म दिस गेम इज हैविंग। जबरदस्त वर्ल्ड स्ट्रीमिंग टेक के लिए ये गेम में लोड टाइम आपको ना के बराबर दिखेगा। लेवल ऑफ डिटेल स्वैपिंग का इस्तेमाल बखूबी की गई है इस पर्टिकुलर गेम में। हॉगवर्ट्स लेगेसी मेक्स गुड यूज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इन कॉम्बैट, वेयर प्लेंटी ऑफ स्पार्क्स स्टार्ट टू फ्लाई विद एवरी स्पेल कास्ट। ऑल इन ऑल, हॉगवर्ट्स लेगेसी इस जेनरेशन का बेस्ट लुकिंग गेम है या नहीं, इस बारे में आपका क्या ख्याल है दोस्तों? एक गेम को खेलने के लिए उसकी स्टोरी, कैरेक्टराइजेशन और प्लॉट के साथ साथ ग्राफिक्स कितना हद तक मैटर करता है, क्या कहना है आपका? राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड डू लेट मी नो। मेरा नाम था सिद्धार्थ, हैप्पी गेमिंग दोस्तों।